वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और तकरीबन 14 करोड़ से ऊपर के लोग इस पार्टी का हिस्सा हैं। मैं आज सभी उन कार्यकर्ताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनकी बदौलत आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका भारतीय जनता पार्टी को सेवाएं देने के लिए, और उनसे अनुरोध करता हूं कि निरंतर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहें, जो कि सिर्फ एक इकलौती पार्टी जो भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए काम करती है। और आप सभी से पुनः अनुरोध है कि ऐसे ही अपना प्यार सम्मान पार्टी को देते रहें। पुनः पार्टी को आगे ले जाना, उसकी रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसे जन सरकार के दिए हुई बनाई हुई नीतियों से लाभ पहुंचाना, इसी का हम संकल्प करते हैं। और यही हमारा संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाना है, इससे और तेज़ी से आगे ले जाना। हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, क्षमतावान और बहुत यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारा जो स्थापना दिवस है, इससे हमें ऊर्जा मिल रही है। चार प्रांतों में अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि जो कल्याणकारी योजना है, जो गरीब आदमी की योजनाएँ हैं, उनको हम जन जन तक पहुँचाकर उनको लाभ दिलवाएँ, तो ये हम संकल्प ले रहे हैं। और संकल्प के साथ साथ ये भी संकल्प है कि हम अच्छाई की ओर बढ़ें और अच्छे काम करें ताकि श्रेष्ठ एक समाज बन सके। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और आज सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संदेश हम सबको दिया, एक नई ऊर्जा की बात करी। और हम सबका जो आज यहाँ इकट्ठे होने का भाव है, पार्टी को यहाँ तक ला करके खड़ा करने में इस पार्टी के सदस्यों का, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का जीवन की बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दे दी। हम 2 से शुरू हुए थे और आज 302 तक पहुँच गए, तो वो जो कर्मठ परिवारों का, इस सदस्यों का जो पसीना, जो लहू बहा, अगर मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में सारी दुनिया ने देखा के ममता जी के इलाके में, जहाँ की वो मुख्यमंत्री हैं, उधर क्या हाल रहा, कितने लोगों की आहुति लगी, कितने हमारी पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया। आज जो हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं, इसका हमारा मकसद ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनको नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और साथ ही साथ जो लोग देश की खातिर इस विचारधारा वाली पार्टी के जो शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उनको भी आज हम याद करें और नई ऊर्जा नए युवा समाज को दें कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ अधिक से अधिक लोग चलें। और जैसा कि पार्टी का नारा है कि देश सबसे पहले, देश बचेगा तो हम बचेंगे, इस विचार को हम आगे बढ़ाएं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा की धरती है ना, ये बिल्कुल एक मेहनतकश लोगों की धरती है। हरियाणा की पहचान जवान, किसान और खिलाड़ियों की है ना, तो जवान मेहनत से बच सकता है, जवान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसान तो मेहनत का दूसरा नाम है, और खिलाड़ी जो है वो कैसे अपनी प्रैक्टिस के बिना आगे आकर के जीत सकता है। तो जिस हरियाणा की धरती पर मेहनत को जन्म मिलता है, मेहनत को मजबूती मिलती है, ऐसी धरती पर मुफ्त खोरों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक जो नज़रिया है वो ये है कि फ्री बांटते चलो, अपने दमाद तो उनके जो अपने जो दामाद हैं, जो हमारी बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन हम अपने लिए जब ढूंढते हैं, हम देखते हैं जी विधायक और 12 करोड़ के बंगले में रहने वाला हो, लेकिन जनता को संदेश देते हैं बेटा कमाओ मत, हम फ्री बिजली कर देंगे, हम फ्री रोटी कर देंगे, बस आप नशे में डूबे रहो, तुम्हारे अधिकारों की बात ना करो, किसी चीज़ की बात ना करो। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का संदेश है कि आप स्वावलंबन पर चलें। और हरियाणा अपने आप में सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है, ऐसा हमारा प्रदेश है जो स्वावलंबन को ही बढ़ावा देता है। हम पंजाब के छोटे भाई कहे जाते हैं, लेकिन आज हम पंजाब से बहुत आगे हैं।